मारे चार चप्पल खोल के मुंह पे तुम्हारे, बोल रहा है कि मॉडल का इज्जत नहीं होता है, बिना मॉडल का काम कर लोगे, बेशरम। शरम आ रहा है थोड़ा सा ही बोलने में? दुमिला के 2 साल से रह रहे थे मेरे ही साथ, उस टाइम मॉडल और नचनिया नहीं दिख रहे थे? चूतिया लिखा हुआ है माथा पे कि तुम्हारे लिए जो फैमिली छोड़ दे, काम छोड़ दे, उसको तुम पागल बनाते रहोगे। सोने टाइम बदनामी नहीं हो रहा था और घर ले जाने में बदनामी नहीं हो रहा था, अभी बदनामी दिख रहा है, मीडिया में आ गए तो। चूतिया इंसान कहीं के, उतना दिन से रख रहे थे, मजे ले रहे थे तो नहीं तुमको दिख रहा था, और अभी तुमको दिक्कत दिख रहा है, इज्जत जा रहा है। नचनिया को कोई शादी, नचनिया के साथ कोई शादी करेगा? हम जो 10 लड़की लड़के से मुंह मड़वा के आएगी उसको रख लेंगे, तो दिखाते क्यों नहीं है यार, दिखाते क्यों नहीं है, प्रूफ पे आके क्यों नहीं बात करते हैं? तो मम्मी को बोलती है, पापा को बोलती है, सब क्या लंद फंदुआ वाला बात कर रहे हैं, मर्द जैसा बात कीजिए ना यार। यही उसके घर वाली माँ बहन के साथ उसके साथ होता, 2 साल उसकी बहन को कोई रख के छोड़ देता, क्या करता वो उस टाइम? रखता अपनी बहन को, एक्सेप्ट करता? तो इसका काम ही क्या है, लड़की यूज करने का धंधा बना के रख लिया है, मेरे साथ रहने के बाद भी कितने के साथ रहा है, हमको बदनाम कर रहा है, चले ना मेडिकल टेस्ट करवाए मेरे साथ। रुकिएगा लाइन पे, ठीक है, लाइन पर सुनिएगा चुपचाप। हाँ ना, वो अब उनका आवाज, वो लड़की कौन है जो लड़की को ये परेशान कर रहे थे, जिस लड़की को होटल में बुलाया था वो लड़की? हेलो, बोलो ना। हेलो, पूरी बात सुनते रहेगा। हाँ, बोल रहे हैं कि कितने दिन बात हुआ था तुम्हारा और रोशन जी का? 3 दिन, यही मंगलवार तक हुआ था, संडे से लेके मंगलवार तक। अच्छा, और ये संडे से लेके मंगलवार तक, मैं क्या समझूं फिर इस रिकॉर्डिंग? वो दूध के धुले में बन रहा है। मैसेज किए थे? हाँ, उस दिन क्या मैसेज करके बोले हैं, जिस दिन तुम रात में मंगलवार को बात की हो? इन्होंने मेरे से सिर्फ इतना बोला था कि मतलब तुमको आना है ना। मैंने बोला मैं आ तो जाऊंगी, पर मेरे को ऐसा सब बात मत बोलो। मैंने इनसे लास्ट बार ये भी कहा था कि देखिए, अगर मैं वहाँ पे आती हूँ तो मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, तो क्योंकि मेरे को आपके बातों से बहुत डर लग रहा है। तो बोल रहा है क्या, नहीं कुछ नहीं होगा बाबू, हम है ना। अच्छा, तो इसको ये तुम पूछी नहीं कि शादी शुदा है कि नहीं है? मैंने इनसे पूछा था, आप इनसे पूछ लेना एक बार फिर से। हाँ, ये क्या मैंने पूछा भी था, नहीं बोल रहा था, नहीं बस ऐसे बोल रहा था मेरे। चलिए मैं समझ गया, पूरी बात सुन लिया, पूरी बात सुन लिया। मेरे को इनसे मतलब, मैं इनको पहचानती नहीं थी इसलिए मैं इनको, पर पता है आपको, ये मेरे को इन मतलब जिससे मेरा बात हुआ, मैंने इनको रिप्लाई किया, उनके बाद ये मेरे को मतलब जब देखो तो मैसेज करते ही रहते थे, करते ही रहते थे। अब बताएं, ऑफलाइन मेरे को दिखते ही नहीं थे। ये कौन फैन होती है? ये फैन को आप अनसंड बोलोगे, और कुछ ऐसी लड़कियां भी हैं कि उनसे मिली हुई रहती हैं काम के प्रति, ठीक है, भोजपुरी इंडस्ट्री में वैसे भी होता है। अरे यार, तो आप जब जान रहे हो कि मेरे साथ कोई है तो भी हम वही गलती करेंगे। चूतिया लिखा हुआ है माथा पे कि तुम्हारे लिए जो फैमिली छोड़ दे, काम छोड़ दे, उसको तुम पागल बनाते रहोगे।